फिर से एक इम्पोर्टेंट मेडिसिन के साथ जिंसिंग बायोकेमिक फॉर्म में, दैट इज 1x पोटेंसी में टेबलेट के रूप में 2 गोली सुबह शाम आप यूज कर सकते हैं, या इसके मदर टिंचर को 10 बूंद सुबह दोपहर शाम थोड़े से पानी के साथ मिलाकर लिया जा सकता है। जिंसिंग एक ऐसी दवा है जिसको आयुर्वेद में काफी समय से इस्तेमाल किया जा रहा है, यहाँ तक कि एलोपैथ वाले भी बहुत सारी ब्रांड कैप्सूल में जिंसिंग को यूज करते हैं बहुत सारी अलग अलग कार्यक्रम में। किस किस समस्या में होम्योपैथी में हम लोग इसे दे सकते हैं, एक एक करके इसकी चर्चा कर लेते हैं। मैं डॉक्टर दिव्य चौहान आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दिया है इसे दबा दे, इससे कि जब भी इस तरह के इम्पोर्टेंट वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। दोस्तों जिंसिंग को एक जनरलाइज टॉनिक की तरह यूज किया जाता है, बॉडी पे इसका एक बहुत ही पॉजिटिव इफेक्ट है जिससे ये रीजेनरेशन जहां पर भी डैमेज टिश्यू है उसको ग्रोथ करने में बहुत हेल्प करता है। इसलिए आफ्टर 35 या 40 के बाद आप इसे रेगुलर बेसिस पे एज ए टॉनिक या रीजेनरेशन के रूप में कि आपकी ग्रोथ जो है वो प्रॉपर बनी रहे आप इसे ले सकते हैं, चाहे तो बायोकेमिक टेबलेट में 2 गोली सुबह शाम या फिर मदर टिंचर को 10 बूंद सुबह दोपहर शाम यूज कर सकते हैं। बाकी अगर सिम्टोमेटिकली बात करें दोस्तों तो इसका लोअर बैक पे हमारी जो पीछे रीढ़ की हड्डी जो है इस पे इसका बहुत ही स्पेसिफिक एक्शन पाया गया है। तो ये हमारा लोअर बैक पेन, वीकनेस से होने वाली जो कमर दर्द है, एक दूसरी लोअर बैक से जुड़ी समस्या है साटिका जब आपके दहिने या बाएं पैर से दर्द शुरू होकर नीचे की तरफ चला जाता है, या नंबनेस सुन्नपन अगर डेवलप हो रहा है क्योंकि नसों का अफेक्शन होता है और सारी नसें कहां से निकलती है, हमारे लोअर बैक वाला जो हिस्सा है वहां से डिस्ट्रीब्यूट होती है हमारे पैर की तरफ जाती है। तो कमर के आसपास के एरिया में दर्द हो या सुन्न हो या साटिका हो, किसी भी तरह की अगर समस्या आ रही है तो जिंसिंग को मदर टिंचर में लेने से 10 बूंद सुबह दोपहर शाम आप देखेंगे पेन और स्ट्रेंथ, पेन आपका कम हो जाएगा, आपकी कमर में धीरे धीरे स्ट्रेंथ बिल्डअप होने लगेगा, चाहे वो कमर दर्द हो सिंपल या साटिका की दिक्कत हो, या अगर आपके कमर या पेल्विस वाले रीजन में सुन्न जैसी समस्या, नंबनेस जैसी समस्या फील हो रही है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, वीकनेस की वजह से होने वाली माइग्रेन की समस्या, बहुत सारी फीमेल जिनको अनीमिया की शिकायत रहती है, ब्लड की कमी 8 या 9 पॉइंट के आसपास हीमोग्लोबिन चला आता है, ऐसे फीमेल्स को आप देखेंगे, मेल्स में भी बट फीमेल्स में टेंडेंसी ज्यादा है कि माइग्रेन की समस्या हेडेक बना रहता है, तो वहां पर जिंसिंग को आप अगर लेते हैं तो आपकी ताकत स्ट्रेंथ में भी ग्रोथ होगी और अगर माइग्रेन की समस्या थी उसमें भी इम्प्रूवमेंट होगा। आपकी आई साइट अगर वीक हो गई है या आपको डिप्लोपिया एक ही चीज के दो चीजें आपको दिखती है, दो भाग में आपको डिवाइड होकर कोई भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट अगर दिखता है जिसे हम लोग डिप्लोपिया बोलते हैं, चूंकि ये होता हमारी ऑप्टिक नर्व की वीकनेस की वजह है, हमारी जो आंखों की जो नसें होती हैं अगर वीक हो गई हैं इस कारण से हमें डिप्लोपिया हो सकता है, तो जिंसिंग डिप्लोपिया पे केस में भी बहुत अच्छा आपको रिजल्ट दे सकता है। मदर टिंचर में 10 बूंद सुबह दोपहर शाम, अगर टेबलेट लेते हैं तो 2 गोली सुबह शाम, जैसा कि जिंसिंग 1x ये है तो ये टेबलेट फॉर्म में 2 गोली सुबह शाम आप ले सकते हैं डिप्लोपिया के केस में। नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा केस दोस्तों बनता है रूमेटिक पेन, अगर आपको अलग अलग ज्वाइंट्स में पेन बना रहता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही यही है कि बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी जो डेड टिश्यू है उनको हटाता है, तो जोड़ों में अगर आपके सूजन हो रखी है या गांठ का फॉर्मेशन हो रखा है जिसकी वजह से दर्द बना रहता है तो जिंसिंग वहां पर भी आपको काफी अच्छा रिजल्ट दे देगा। नेक्स्ट दोस्तों, अगर आपको क्रॉनिक हिकअप की प्रॉब्लम है, बार बार आपको हिचकियां आने लगती है, बहुत सारी दवाएं हैं बट मदर टिंचर में अगर आप इसे लेते हैं तो अगर आपकी हिचकियां बरकरार है, सुबह से शाम तक बार बार हिचकी आ रही, पानी भी आप पीकर देख चुके, अलग अलग फॉर्मूले अपना कर देख चुके, आपको रिलीफ नहीं हो रहा है, जिंसिंग का मदर टिंचर आप एक बार 10 बूंद सुबह दोपहर शाम, या अगर आप चाहें 1 घंटे के गैप पे 2 से 3 बार ले लें, पहले से ही दूसरी खुराक में आपकी जो हिचकियां वो कम हो जाएंगी, और अगर आपको बार बार ये टेंडेंसी है कि बार बार हिचकियां आनी शुरू हो जाती है तो वो भी नहीं होंगे। तो ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं जिंसिंग एक तरह के टॉनिक के रूप में हम यूज कर सकते हैं, और अगर कमजोरी की वजह से होने वाला चाहे कमर दर्द हो, सर दर्द हो या आंखों में दिक्कत हो तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको दे देगी। तो छोटी सी दवा उम्मीद करता हूँ आपके लिए कारगर होगी। वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और शेयर कर दे, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।